मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ओह हाँ, बस कोच से थोड़ी दूरी रखना चाह रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो यहाँ होगा, डैड को भी कुछ परवाह नहीं है। मैं पापा की नहीं, फ्लोरिडा स्काउट की बात कर रहा हूँ। फ्लोरिडा स्काउट यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि दूसरी टीम के एक खिलाड़ी का बाप एक गेटर स्काउट है। अगर वो यहाँ है तो यही मेरा इकलौता मौका है छा जाने का, यही है। तुम जानते हो तुम वहाँ के बेस्ट प्लेयर बनने जा रहे हो। अरे इसका फायदा क्या अगर कोई देखने के लिए ना हो। हमारी टीम धमाकेदार टीम है। तुम लोग इस जंग के लिए तैयार हो? हाँ। मेरे साथ साथ गाना। हाँ। हमें जीत कहे दिखाना। हाँ। जीत हमारे मन में है, दिलो जान में है। हाँ। हम उनसे लड़ेंगे। हाँ। और हम ही जीतेंगे। हाँ। वो नींबू कच्चे। हाँ। हमारे सामने बच्चे। हाँ। बाकी टीम करे रेस। हाँ। क्योंकि हम ही है बेस्ट। हाँ। फतेह हमारी होगी। हाँ। फतेह हमारी होगी। हाँ। फतेह हमारी होगी। जा मेरे शेर, और मेरी छाती चौड़ी करके ही आ रहा। भूले नहीं हो इस टीम का जोश कैसे बढ़ाया जाता है। हाँ खिलाड़ियों, मेरे साथ फिर से बोलना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 उधर पास करो। हाँ। I'll do that ASAP. Throw my favorite rap. But they say don't say that, huh? Well, if I... बिल्कुल कोच। आप लोग भी अच्छा खेल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। कोच, कोच सुनिए ना, कोच, आपको वहां कई फ्लोरिडा वाले कोच दिखे? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। सच में? मेरा मतलब उन्होंने गेटर्स हैट पहनी हुई थी। आपने कहीं नहीं देखा उन्हें? देखो, तुम नजरों में आना चाहते हो तो इस टीम को स्टेट तक पहुंचाओ। मैं जिस टीम को भी कोच करता हूं सब प्लेऑफ्स तक पहुंचती है, तभी नजरों में आओगे। यस कोच। वैसे तुम आज अच्छा खेले हो। तुम पहले इंसान हो जिसने 4 टचडाउन किया है। 5 टचडाउन से यार, 5 टचडाउन, और ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे कुत्ते के पीछे दौड़ रहा हो। वो स्काउट यही था और बिना कुछ कहे चला गया, शायद उसी एक गलती की वजह से। लेकिन हम जीत गए।
ones using this road are going through all that. Hey, more automobiles than I've ever seen in Alma Borda. Going so fast. Sure is good they're going the same way. Yes, ma'am. Because if one of them rascals decides to turn around and head back, there's going to be an awful mess. तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी। ये बैठ। क्या पता यंकीज का स्काउट यहाँ कब टपक पड़े। क्या है, आसपास भेड़िये रहते हैं। मैं तुम्हें शिकार बनने से बचा रहा। अब तुम्हें जाना नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? मैं बस सोना चाहता हूँ, जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम मेरे साथ बात न करो। ठीक है, मैं तुम खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई से कहना कि मैंने हाय कहा है। खैर, मैं उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप खुद उसे मिल सको। हम सब कहीं ना कहीं सीख रहे हैं और जैक भी सीख जाएगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू पेस्टर, हैव अ नाइस डे। यस सर। इन लड़कों के साथ अच्छा काम कर रही हो। शुक्रिया। दो स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। बढ़िया गेम था दोस्तों, अच्छा था। जैक, हे जैक। यस कोच। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। अच्छा देखो, मुझे याद है कि तुमने बताया था स्कॉलरशिप मिलना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, और इस साल तुमने अपनी जान भी झोंक दी थी, और इस बात के लिए मुझे नाज है तुम पर। ठीक है सिमंस, चलता हूँ कोच। बाय पोलाक। शुक्रिया, आपने ये कहा बहुत बड़ी बात है। पर मैंने क्या बताया था, कोचेज और स्काउट्स के नजरों में आने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कल आता हूँ सर। टीम को स्टेट तक पहुंचाना, और इस बात को भूलना मत। यस सर। आज मेल में तुम्हारे लिए ये आया था। मुबारक हो, इतने में ही तुम किसी की नजरों में आ चुके हो। क्या? मार्शमैलोज नहीं मिले? हम बाहर हैं, क्या हम इसके बारे में बात करने वाले हैं? क्या? तुम्हारा लेटर। उसका क्या? मुझे तुम पर गर्व है। थैंक्स दोस्त। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बस एक कॉलेज का लेटर है जिसमें। कॉलेज का लेटर है? सच में? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है यार। ये फ्लोरिडा गेटर्स है। फ्लोरिडा गेटर्स, बढ़िया है। मेरा मतलब, इससे पता चलता है कि ये मेरे दिमाग की कोई
फैंटेसी नहीं है, समझे? ये सच में हो रहा है। यही हो रहा है। हाँ देखते हैं। मुझे वो स्कॉलरशिप मिलने वाली है, मैं हमें यहां से बाहर निकालूंगा, यकीन मानो। और एक बार हम बाहर निकल गए तो हमें बेहतर खाना। एक्सक्यूज मी, यहाँ कहीं आसपास कोई कोक मशीन वगैरह है क्या? इस मेन हॉल से सीधे कैफेटेरिया के पास चले जाओ, वहीं पर है, ठीक है ना? तुम नर्स बनने के लिए जरा छोटी नहीं हो? नर्स की इंटर्न बनने के लिए तो नहीं, पर ये मेरी जॉब है। ओह अच्छा, अब समझ गया। मैं जैक हूँ, जैक ट्रू, बेस्ट समर में रनिंग बैक ओवर। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, और आज तक हमें किसी ने नहीं हारा है। जैक, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरा दिन भी अच्छा गया, लेकिन मैं फुटबॉल प्लेयर्स को डेट नहीं करती। आउच। मैं सोच रहा था कि उस कोक मशीन से दो कोक लेके आऊं, लेकिन अभी लगता है सिर्फ एक ही लाना होगा मुझे। खैर, मैं एक डॉक्टर पेपर गर्ल हूं। कितने अफसोस की बात है। जिंजर, 5 मिनट के लिए आईवी मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बदल दूंगा। देखती हूँ, मुझे लगता है वो पसंद करती है मुझे। हेलो, क्या हाल है, कैसा रहा? एनुअल चेकअप के लिए अच्छा है, मैं 45 दिनों से बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने तुम्हें लॉलीपॉप और स्टिकर भी दिया? इस बार नहीं। तुम्हें कहीं कोई बहुत हॉट नर्स पसंद नहीं आ गई? ओह, 75 साल की जैसे धूम्रपान करने वालों की खांसी, भूरे बाल। मार्था सिर्फ तुम्हारी है। मुझे भूख लगी है, मैं सैल्मन या कुछ और ऐसा खाना चाहता हूँ। सैल्मन खाओगे तुम? मुझे सैल्मन पसंद है। खाने की बात ही मैं जानता हूँ, मैं सैल्मन नहीं बना सकता। तुम इसी में लगे रहो, मैं तो नूडल्स खाऊंगा। किस तरह के नूडल्स? मेरा मतलब रामन नूडल्स यार। अजय, आओ घूमने चलते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मेरा काम संभालोगे आज? हाँ बिल्कुल, जानता हूँ कि गाड़ी निकलने वाली है। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देखो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, अगर नानी पूछे तो कहना आइसिंग करा, ठीक है? समझ ले। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैन, आई लव यू। क्या हाल है दोस्तों? मैं तुम लोगों के लिए सूप लाई हूँ। हाय नैनी, आपने कुछ कहा? मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, होममेड चिकन और डंपलिंग्स, जैसे कि तुम्हें पसंद है। आपका माल हो। जैक कहाँ है? वो अपने पैर की आइसिंग कर रहा है, 10:30 तक वापस आ जाएगा। सुना है उसने 5 बार स्कोर किया। हाँ, वो लगभग छट्टा करने वाला था, आपने मिस कर दिया। वेल, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फुटबॉल मैच देखे हैं। आखिरी साल जब मैंने तुम्हें मैच खेलते हुए देखा था, उसका तुम्हें उस तरह से मारना, उस वक्त जो तुम्हारे शरीर की हालत थी, मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर एक पागल औरत की तरह आप स्टैंड से बाहर कूद गई और मेरी मदद के लिए मैदान में आ गई। मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई थी, मेरी नजर तो उस लाइन बैकर पर थी जिसने खटिया शॉट से तुम पर कीचड़ उछाला था। मुझे किसी को माफ करने में कोई डर नहीं है, ये तुम्हें पता है ना, और मैं किसी को माफी देने से नहीं चूकती। गुड नाइट नैनी। पांच, 4, 3, 2, 1, हे मेरे दोस्त, कैसे हो? ठीक समय पर। अलार्म बजने ही वाला था पर मैं पहले ही आ गया। हाँ। अब क्या खाओगे तुम? खुशबू आ रही है जैसे अच्छा समय बिताया। बस एक बीयर पी है पापा, कम ऑन। कुछ बाथरूम टिश्यू स्टॉक कर लेते हैं। दोस्त, वो सबसे बुरे लोग बुरे हो, आपको पता चलता है जब आप कुत्तों के साथ लेटते हैं। हाँ, तुम तो फ्लीज शेक्सपियर के साथ उठते बैठते हो, तुम जानते हो मेरा मतलब। नैनी ने मेरे बारे में पूछा? हाँ हाँ, उसने चिकन और पकौड़े बनाए। क्या बात है यार, मैं कभी ऐसे लड़की नहीं ढूंढ पाऊंगा जो ऐसा चिकन और पकौड़े बनाती हो। बहुत शर्म की बात है यार, अब तो पूरी औरत जात ही अधूरी सी लगती है। ये सच में अच्छा था, मैंने पूरी बात क्या कहा?
हाँ तुम दूसरी बात पढ़ते हो और मुझे लगा तुम बुरा नहीं मानोगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? चलो हट, मुझे उतारो नीचे, अब कुछ काम भी लगाओ अपने कुत्तों का खाना बॉय। ये लो तुम्हारा ऑर्डर, ये मेरी तरफ से है, तुम्हें बस इस हफ्ते जीतना ही होगा, समझे जैक? समझो, हो गया। और कैसा रहेगा अगर मैं अपना पहला टचडाउन तुम्हें डेडिकेट करूं तो? हाँ। क्या मक्खन लगा रहे थे तुम। वो मुस्कुराई। हाँ, उसने ग्रेजुएशन पूरा किया जिस साल तुम पैदा हुए थे। ओ डेवी डेवी, एज से फर्क नहीं पड़ता जब चाम भरपूर हो मेरे भाई। अब ये फ्री खाना खाते हैं। hey. मेरे बैठने से कोई एतराज तो नहीं? हाँ है। काफी दिनों बाद पापा। मेरी भूख मर गई है। तुम्हें पता है, दरअसल मैं आया था लेकिन तुम वहां नहीं थे और इसने मुझे घुसने तक नहीं दिया। नहीं, जाने देगा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? इस आदमी पर टाइम वेस्ट करने का मन नहीं था मेरा। मैंने सुना है इस सीजन में तुम फुटबॉल में धमाल मचा रहे हो। ओ, अच्छा? हाँ? और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम मेरे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हो। हाँ, नहीं मैं रिकॉर्ड बुक से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, यकीन मानो मेरा। आप हम परिवार हैं। तुम्हें लगता है इन शब्दों का कुछ मतलब है? हाँ है, बिल्कुल है। इसका कुछ मतलब नहीं, हम परिवार हैं। तुम तो बस वो आदमी हो जो मां के मरने पर हमें छोड़कर चला गया। चलो चले डे। पक्का? ठीक है, बैठो दोनों यहां। Living too fast, moments don't last. What are we doing here? Too distracted to react. Busy lights guided by fear. I think it's time that we all slow down. मेरा एक सवाल है। दरअसल मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं कह रहा था कि क्या तुम नैनी से कुछ पैसे उधार ले सकते हो मेरे लिए? लेकिन ये बताना कि तुम अपने लिए मांग रहे हो, मेरा नाम बिल्कुल मत बताना। मुझे लगा आप हमसे बात करना चाहते हैं। यार हम बात ही तो कर रहे हैं, तुम और मैं। देखो दरअसल वो मेरी जरा सी मैनेजर से बकझक हो गई, इसीलिए मैं काम से बाहर कर दिया गया हूँ और कई हफ्तों से मैंने रेंट नहीं दिया है। बस थोड़े से पैसों की ज़रूरत है मुझे और मैं डेविड के बिल्कुल पीछे हूँ, तो अगर थोड़ी सी मदद हो जाती तो अच्छा रहता। Hey Jack, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? चल रहा हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आओ साथ में चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बस यहीं पर। चलो जीने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपनी मां की तरह हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है और जैक में मेरी तरह ही बहुत सारा गुस्सा भरा है, तो हम लोग बस ये बात अपने बीच रखेंगे। पापा मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं नैनी से पैसे मांग सकता हूं। तो नहीं ले पाओगे तुम? मैं नैनी से कोई पैसे नहीं मांग सकता। तो तुम नैनी से पैसे नहीं मांगोगे? नहीं। तो तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? बहुत अच्छा। Who you gonna blame?
Hey guys, कौन कौन पिएगा? मुझे एक चाहिए। चलो। मुझे भी। Thank you. Thank you. नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे। क्या? चल कोई नहीं, हमारे लिए। जब हम बाहर से आते हैं तो तुम हमेशा यही जर्सी क्यों पहनते हो? भाई ये जर्सी मेरे लिए बहुत लकी है ना, इसीलिए पहनता हूँ। We all need to take a minute to stop and listen to the words that's slipping out of our mouths. Should never be a limit to love. Hey, get out of the bar. What's up, Ajay? What's up, Ajay? What's up, Ajay? Yes! Come on! Let me see how I can take it. Hey, listen. How's it going? Come on, boys. Go. जितना अच्छा इधर खेलते हो फुटबॉल ग्राउंड में भी उतना ही अच्छा खेला था। क्या कहा तुमने? लगता है इसे सुनाई नहीं दिया। इन फेलियर स्कूल के आगे हॉट नंबर्स भी लगाओ यार। सही कहा, मैं जरूर लगाऊंगा तुम्हारे खिलाफ अगले हफ्ते एजवुड में, अगर तुम चाहो। कौन सी पोजीशन पर खेलते हो और खेलते भी हो? हाँ, स्ट्रांग और सेफ्टी। कमजोर सेफ्टी नहीं? हाँ, तुम सब भूल चुके हो मेरे दोस्त। ऐसा क्या? शायद मैं जब तुम्हें कितने गोल से मार दूंगा, 2, 3, 4 ठीक रहे, 4 टचडाउन्स। तुम चाहो तो साइडलाइन से भी उनकी गिनती कर सकते हो। मैं बियर लेने जा रहा हूं, तुम्हें चाहिए? बस बहुत हो गए, जरा आराम से बताओ, मत करने दो। और इस बेवकूफ को थोड़ा संभल कर। अच्छा? हाँ, तुम्हारे कमजोर जबड़े को एक ही मुक्के में तोड़ दूंगा। हे सुनो, ये उसी कमजोर प्लेयर का भाई है। अब किसका जबड़ा कमजोर है? हाँ, आ गई है और बिना MRI के मैं यकीन से नहीं बता सकती, पर जो भी हो तुम्हें तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। इसका मैं पे कर दूंगी। जो भी इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहा है उसका भुगतान मैं कर दूंगी। नानी, आप अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी ऐसे ही करती ना। नानी होने के नाते मैं तुम दोनों को अपने बेटे से बढ़कर समझती हूँ। मुझे अपना फर्ज निभाने दो। तुम्हें खुद सोचना होगा कि तुम्हें क्या करना है। हाँ नानी। क्या हो रहा है? तुम बताना चाहोगे हो क्या रहा है? बढ़ जाओ सामने से। ये क्या है? मुझे ठीक आधे घंटे पहले किसी ने ये दिखाया। हाँ, और मुझे समझाने की या पट्टी पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सच्चाई सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। तो क्या हम समझ ले कब सब कुछ खत्म हो चुका है? कोच, ये मेरी गलती नहीं। कुछ गलत कहा क्या? तुम्हें पता है वो क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हारे घुटने में आखिर हुआ क्या है? मैं नहीं जानता। मैं लगता है एशिया में प्रॉब्लम आ गई है। यानी मान ले कि इस साल का खेल खत्म। अरे इसी से तो उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है बताओ जरा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था बताओ भी। दिमाग रहेगा तो ना चलेगा। ओके मिस्टर, इसे पहन लो। ठीक है, आप मेरी नर्स हैं? नहीं, तुम्हारी नर्स यहाँ आ रही है। उम्मीद है वो भी आपके जितने फ्रेंडली हो।
ओके। हाय। हाय। तो तुम हो मेरी नर्स इंटर्न? हाँ, मैं हूँ तुम्हारी नर्स इंटर्न और मेरा नाम है जिंजर। जिंजर, हाँ, जो फुटबॉल प्लेयर्स को डेट नहीं करते। आपके घुटने के बारे में सुनकर बुरा लगा मुझे। मुझे पता है आप कितना अच्छा खेलते हो। अच्छा, तो इसे कैसे पहनते हैं? इसे इसलिए पहनते हैं ताकि बम दिखता रहे? हाँ, या दूसरी तरफ से मैं चाहती हूँ तुम्हारा बम दिखे। वाह, बड़ी जल्दी है। एक बात बताऊं तुम्हें, डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए करना होता है। ओके। बहुत मजा किया हो तुम, तुम्हारा अंदाज रंगीला है। तुम मुस्कुराई, मैंने देखा था। यकीन से कह सकती हो? हाँ, मेरा स्ट्रीक चालू है। 5 महीने से बिना मुस्कुराए। हाँ, जरूर। हाँ, बिल्कुल। लगता है मैंने तुम्हारी स्ट्रीक तोड़ दी। अगर मैं देखो, फिर से आ गई ना? ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। सॉरी, घबराने की आदत है। पापा को जैक के बारे में पता है? हमारे बीच इतनी बात नहीं होती। हमने काफी वक्त से तुम्हारे पापा से बात नहीं की है। उन्होंने कभी माफी भी नहीं मांगी। शायद उन्हें ना पता हो, या वो कुछ और चाहते थे, या उनका दिल टूटा हो। तुम्हारे माँ के खोने से उन्हें भी दुख पहुंचा है। मैं उनके बर्ताव को सही नहीं कह रही हूं, पर माफ किया जा सकता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी चीजें कैसी बदलती है जब तुम किसी को माफ कर देते हो। ठीक है, तो कुछ ही देर में तुम्हारे शरीर में एनेस्थीसिया जाएगा। ओके, ठीक है। है, सुनो, इससे पहले कि तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है क्या? अब तो मैं फुटबॉल प्लेयर भी नहीं हूँ, तो वैसे मैं पेशेंट को भी डेट नहीं करती हूँ, ये बात है। अब तो तुम बहाने बना रही हो। ये तुम्हारे ब्रेसलेट पर क्या है? Galatians 2020? बहुत तेज नजर है तुम्हारी। क्या चीज है? Galatians 2:20। Crucified by Christ वाली ना? हाँ, ये मेरी फेवरेट है। कमल का वर्स है। ठीक है, ध्यान रखना। Hey, so, Miss Ginger, आप पक्का मुझे आपका फोन नंबर नहीं देंगी? क्योंकि इससे मेरा दिन बन जाएगा। तुम बहुत जिद्दी हो। सुनो, मुझे यकीन है अगर लिखा होगा तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे भी। हे, नी के बार में बुरा लगा मुझे। ओके। मैं देख रही हूँ कि तुम दो लोगों का काम कर रहे हैं और मुझे तुम पर नाज है, पता है ना? थैंक यू नैनी, आई लव यू। गुड नाइट, डोर लॉक कर देना। ओके, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।
थैंक यू. गुड नाइट जैकी. गुड नाइट नानी. आधी रात हो गई है देव. ओए देवी चलो यार. देव हेलो कहाँ हो भाई. हेलो हे मेरी तरफ देखो तुम ठीक हो. हाँ मैं दिख रहा हूँ ठीक हो. मैं उठाता हूँ तुझे. ये बिल्कुल बकवास था. अच्छा सॉरी यार काश मैं इस तरफ होता. मैं नहीं दूसरी तरफ. उसमें कुछ नहीं कर सकते थे. देखो मेरी तरफ आंखें दिखाओ. तुम ठीक हो. मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. Oh my brother, your wisdom is older than me. But oh my brother, don't you worry about me. Don't you worry, don't you worry, don't worry about me. मॉर्निंग. मॉर्निंग कोच. आप यहां क्या कर रहे हैं. पिछली रात जो हुआ होना नहीं चाहिए था. हम दोनों ही ये जानते हैं कि नहीं. हाँ कुछ डोनट्स लाया हूं. मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना सकोगे तुम. जी सर. मुझे लगता है हमारा कॉफी पॉट टूट गया है. सॉरी. चलो तुम लोग ठीक तो हो ना. सब ठीक चल रहा है ना. हाँ पहले से बेहतर हूं. देखो मैं पर्सनली बहुत सारे बेहतरीन एथलीट्स को जानता हूं जो ACL सर्जरी के बाद वापस लौट के बेहतरीन खेले हैं.
उनमें से स्कॉलरशिप कितनों खोई थी? देखो बात स्कॉलरशिप की ही नहीं है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बात सिर्फ फुटबॉल की नहीं है सर। बात यहाँ से निकलने के मौके की थी और वो मौका अब जा चुका है, वो भी मेरी वजह से। मैं एक ही बात बोलूंगा, आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये सब, कि ये जिंदगी हमारे लड़कों के लिए कुछ ज्यादा ही चुनौती पेश कर रही है। तुम लोगों को, तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। ट्रैक एंड फील्ड की दौड़ बस आने ही वाली है और उसी दौड़ के लिए तो स्कॉलरशिप दी जाती है ना, लेकिन तुम्हारा घुटना तब तक ठीक नहीं होगा। होता तब भी फर्क नहीं पड़ता। क्या? मैंने कहा होता तब भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं ट्रैक नहीं भागता, मैं फुटबॉल खेलता हूं। सही कहा, तुम एक फुटबॉल प्लेयर हो बच्चे, मेरे देखे हुए सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से एक, और यह बात तुम कभी भूलना मत। लेकिन क्या हो गया, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। काश कुछ कुछ कर पाता मैं तुम्हारे लिए। ए, सुनो, तुम लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है वियर्डो। वेल, अब ये करिश्माई कार जो यहाँ खड़ी है वो 3.5 सेकंड्स में 0 से 60 पहुँच जाती, तुम्हें ये पता था? नहीं, तुम लोग चलो। तुम्हें ये बात पता नहीं थी? वो इन्हें पता था। 70s मस्टैंग, V8 में और 350 हॉर्स पावर की ताकत, हो ही नहीं सकता। ओ, तो तुम्हें गाड़ियों के बारे में काफी नॉलेज है? हाँ हाँ, और तुम्हें नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत भी नहीं। बहुत बढ़िया। अरे हाँ। तुमने पकड़ लिया मुझे, पकड़ लिया। और तुम्हारा घुटना कैसा है? ओ वेल मैम, मेरा घुटना एकदम फर्स्ट क्लास है, आपका शुक्रिया। जो ये बेहतर हो रहा है, ये बात हो ही रही है, तो मुझे याद आया कि मुझे अपने नर्स इंटर्न से एक बार फिर टकराने की किस्मत मिल ही गई आखिरकार। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा। ओके, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मैंने किस्मत की बात नहीं की। ओके, इनकार करना तुम्हारा हक है। खैर, ये वही रास्ता है जहाँ पर मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा। बिल्कुल अच्छा है, जो मेरे मन में आता मैं वही करता हूँ। इस फ्राइडे 8 बजे तुम क्या कर रही हो, मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। कल शाम कॉफी हाउस में मिलना कैसा रहेगा बताओ? कॉफी? अगर तुम्हें कॉफी पसंद है तो मुझे एक बढ़िया जगह पता है जो फ्राइडे को 8 बजे ही खुलती है, तो ठीक है। डोंट माइंड। ओके, चलेगा? वाओ, बस करो। अच्छा सॉरी, तो डिनर के लिए तुम क्या पहनोगी? रिहाब कैसा जा रहा है? कुछ खास नहीं। ठीक है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और बैंड्स का इस्तेमाल किया? नहीं। हाँ। देव, कम ऑन यार, सच में वो मुझसे ये सवाल पूछ रही है। जैक, तुम्हें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, समझ गए तुम? हाँ, तुम्हें ये रूटीन डेली करना होगा, समझ गए तुम? ठीक है, समझ गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम समझे हो। मैं अपना फोन अंदर भूल गया हूँ, तब तक तुम कार में ठीक है, लाओ चाबी मुझे दो। सच में तुमने क्वार्टरबैक खेला है? एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या होगा अगर मैं कोई स्पोर्ट खेलना चाहूँ तो? वेल, तुम्हें पता है फुटबॉल सवाल से बाहर है, लेकिन अगर मैं ट्रैक पर दौड़ना चाहूँ तो पूरी तरह से? जैसा कि आपने हमेशा कहा है कि एक्सरसाइज करने से दिमाग की जो भी खामियां हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं। मेरा मतलब यहाँ बात पार्क में जॉगिंग करने की नहीं है, तुम्हें पता है ये बात। आप चाहें तो मुझे क्लियर कर सकती हैं। मेरा मतलब भागने से पहले तुम्हारा हर बार मेडिकेशन करना बहुत ही जरूरी है, समझे तुम? तो मुझे ट्रैक पर दौड़ने की मंजूरी मिल गई। क्या? हाँ, मैंने वापस जाकर डॉक्टर से पूछा तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। उसने कहा ये तुम्हारे लिए सेफ है? हाँ, उसने मुझे क्लियर किया है। शायद, बहुत बढ़िया यार, ये तो बढ़िया रहेगा। खैर, मुझे लगता है कि मुझे वो स्कॉलरशिप मिल सकती है जिसके बारे में कुछ बात कर रहे थे। वाह,
डेव, तुम आज तक कभी ट्रैक नहीं भागे हो और अब तुम सीधा स्कॉलरशिप लेना चाहते हो? तुम्हें लगता है ऐसा तुम कर सकते हो? पेशेवर में सबसे तेज आदमी कौन है? पेशेवर में सबसे तेज मैं भागता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कदम मिलाकर दौड़ूंगा। मैं तुम्हें आधे टाइम में हरा दूंगा या उससे ज्यादा। नहीं, उससे कई कम। यार मैं तेज हूँ। हाँ बिल्कुल तुम हो यार। देखो देखो मैं ये कर सकता हूँ। मेरे पास पाने के लिए स्कॉलरशिप है और कुछ नहीं। ये आसान नहीं होगा, मेरा मतलब तुम्हें इसे पाने के लिए पूरी जान झोंक। हाँ बस एक बात है कि मुझे एक ट्रेनिंग पार्टनर की जरूरत है। नहीं है, हम तुम्हारे लिए ट्रेनिंग पार्टनर ढूंढ लेंगे। तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखो अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। पीवी से लेकर बेसबॉल तक हमने हर खेल के लिए साथ में ट्रेनिंग ली है। क्या बोलूं यार, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं। तुम कुछ नहीं खो सकते, तुम आ रहे हो। ये सच में बहुत अच्छी कॉफी है। अच्छा रुको मैं पीता हूँ, मैंने पहले कभी ये पी नहीं। ऐतराज़ तो नहीं? ओके, मिठास है ना, क्या लगता है? लेकिन ये बहुत अच्छा है। हाँ मैंने सुना तो यही था, ग्रेप वाइन के थ्रू। बढ़िया है ना। वैसे तुम पूरे दिन क्या करते हो? डेली रूटीन क्या है तुम्हारा? मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, ज्यादातर पंछियों को देखता हूँ। अब मैं बर्ड्स को देखने लगा हूँ और मुझे कलरिंग भी पसंद है। फिलहाल मैं नहीं, अब तक मैंने अपनी नई कलरिंग बुक में 72 पेजेस भर दिए हैं। मैं वो 3 दिन पहले खरीद लाया था तो मुझे बस उसका नशा सा हो गया है और इस सुंदर नर्स के ख्यालों में खोया रहता हूँ जिससे मैं हाल ही में मिला हूँ। और उसमें कुछ तो बात है, क्या लगता है तुम्हें मार्था के बारे में? मैं समझ नहीं रहा तुम हंस क्यों रही हो। एक्चुअली इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ, तुम्हारे साथ दोस्ती करके फिर मैं उसके साथ दोस्ती कर सकता हूँ और फिर थैंक यू। लेकिन वो बहुत ही खुशकिस्मत है। नहीं, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, आज यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है मुझे तुम पसंद हो। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मैं पसंद करती हूँ। मैं भी। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी भूख लगी है बहुत, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो अब सॉरी, मुझे इंटरप्ट नहीं करना था। ओ नहीं, मुझे लगा कि हमें पहले प्रे करना चाहिए। ओ तो तुम मेरे साथ करना चाहती हो? हाँ। ओके ठीक है, बस ये चबाना कम हो जाए। ओके तुम इसे ले जाना चाहोगी? ओ नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करने से मुझे तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिताने मिले तो फिर। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। हाँ, well, सही कहा ना? कुछ पॉइंट्स यहाँ भी स्कोर करना चाहता हूँ। एक पॉइंट तो तुम्हें मिल गया है। Alright, अब तो तुम बोर्ड अच्छा पर हो। है गुड, पर अगर कोई आ जाता तो जैसे कि वो वाला बंदा वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करता तो मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ मैं क्या करता। तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता, वो भी एंशिएंट कुंग फू से, यू नो। एंशिएंट कुंग फू, वो अब तुम इम्प्रेस हो गई। सच में पसंद आया तुम्हें? बिल्कुल मुझसे इम्प्रेस हो गई, तो ये देखो जरा, कम ऑन देखो। मैं जा रही, मुझे भी यही लगा था। कमल का अंदाज है। मैंने इसके साथ 20 क्रिसमस बिताए हैं और 2 बिना इसके।
इसके बिना दो क्रिसमस। छुट्टियां काटना और भी मुश्किल हो जाता है, और मैं जानता हूं कि मैं हर चीज को खराब कर देता हूं, पता है मुझे। ठीक है पापा, मैं माफ करता हूं। उनके बिना दो क्रिसमस और हमारे बिना क्रिसमस कैसे रहेंगे? आपके बेटे, हम तब भी परिवार रह सकते। हम एक परिवार हैं। हम परिवार नहीं। Come on, Zach. तुम हमेशा इन्हीं का साथ क्यों देते हो? क्योंकि ये हमारे पापा हैं। नहीं, ये हमारा बाप नहीं है, ये एक नशेड़ी और एक डरपोक इंसान है। अपनी माँ के साथ एक मिनट क्यों नहीं बिताते? आप यहाँ रह सकते हैं। देव, तुम एक अच्छे लड़के हो। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। आखिर कौन सा इंसान अपने दोनों बेटों को छोड़ जाता है जब उनकी मां कैंसर से मरी हो? जो टूट चुका हो। और इतना जवाब तुम्हारे लिए काफी है? सबसे खूबसूरत पल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं सब बदलने की। सब बदल के रख देना है। कैपिटल एम मोमेंट। आप लोग समझ रहे हैं ना? उसके बाद जिंदगी की हर चीज अलग दिखेगी, बिल्कुल अलग। और आज शाम हम ऐसे ही एक लम्हे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हाँ, मैं जीसस के पैदा होने की बात कर रहा हूं। कैपिटल एम के लम्हे। और ऐसे लम्हे के बाद इतिहास बदल जाएगा। हाँ, आमीन, आमीन। पर हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लम्हा नहीं मिलता है, क्योंकि हम एक बीमारी से गुजर रहे हैं जिसका नाम है किसी और दिन, और वो कभी नहीं आता। किसी दिन मैं ज्यादा सुनूंगा और सिर्फ बात नहीं करूंगा, किसी और दिन मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगा, किसी और दिन मैं इन धार्मिक बातों को समझूंगा और फिर मुझे आत्मिक ज्ञान हो जाएगा। ऊपर वाले का सबसे बड़ा तोहफा जीसस है। तो वो कोई और लम्हा, किसी और दिन हमारा हो सकता है। डेव, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैं बेसमर से तंग आ गया हूं। मैं यहां फंसे नहीं रहना चाहता, अपने पापा की तरह। मैं चाहता हूं कि हम किसी चीज से बचने के बजाय किसी चीज के पीछे भागें। इससे फर्क नहीं पड़ता, भागने का वक्त आ गया है।
है तो क्या मैं अपनी कार यहाँ पार्क कर सकता हूँ या मुझे वैलेट के आने का इंतजार करना होगा? चाबी अपने पास ही रख लेता हूँ, आस पड़ोस का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता। हाय, मुझे अच्छा लगा कि तुम आज आए। मैं भी खुश हूँ, मुझे आखिरकार फैमिली से मिलने का मौका जो मिला है। सॉरी, मेरी सांसों से कॉफी की बदबू आती है। ओह सुनो, जब तुम मेरे पापा से मिलो फिक्र मत करना, हो सकता है कि वो तुम्हें थोड़ा डरा दे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ स्मॉल टॉक करे। हाँ, मैं स्मॉल टॉक कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बेटी के बारे में क्या पसंद है? पापा एकदम सटीक बात नहीं, मुझे पसंद आया। अच्छा है, ये अच्छा सवाल है, इसका जवाब तो आसान सा है। मुझे इसके आसपास रहना बहुत पसंद है, मतलब मुझे इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, और ये बहुत खूबसूरत है। बेटी अपनी माँ पर गई है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ मैम। वेल, थैंक यू जैक। जी वेलकम मैम। मेरी बीवी पे नजर मत डालो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और मैं भी। ओके। और जीसस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सिर्फ स्मॉल टॉक। हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो किससे मिल रही है। जी ऑफ कोर्स, मैं समझ रहा हूँ। मैं बस थोड़ा डर रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों से सच कह दूँ तो आप शायद मुझे जिंजर से फिर कभी ना मिलने दें। वेल, तुम ईमानदार हो इसलिए हम बात शुरू तो कर सकते हैं। ओके, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मेरे ख्याल से मैं जीसस के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं उन्हें उस तरह जानता हूँ जैसे मेरे मदर और ब्रदर जानते हैं। मैं चर्च में ही पला बढ़ा हूँ, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं इन सब के बारे में सवाल पूछने लगा और मुझे यकीन नहीं हुआ। किस बात पे? वेल, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मैं समझ नहीं पाता कि जीसस ने सबके ठीक हो जाने से पहले टाउंस को क्यों छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पाया कि जीसस के सभी फॉलोअर्स इतनी दर्दनाक मौत क्यों मरे। मतलब पीटर को उल्टा लटका दिया गया और वो जीसस के सबसे खास दोस्तों में से था, तो ये बात मैं समझ नहीं पाता। मैं बस समझ नहीं पाता कि घटिया लोग क्यों 100 साल जीत जाते हैं और मेरी माँ जैसे अच्छे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, और ये बात मैं कभी भी समझ नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि मैंने ये पेरेंट्स मीटिंग पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है और बिल्कुल नहीं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, इस टेबल पे बैठने वाले तुम पहले इंसान नहीं हो जो इस तरह की बातें कर रहा है। यकीन मानो। जी सर। तो खाना शुरू करें? यस प्लीज। चलो। हे, क्या हुआ? जैक, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम क्या महसूस करते हो उनके बारे में। क्या गॉड के बारे में? मेरी नजर से ये सिर्फ हम दोनों की बात है। हाँ, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, और तुम जानते हो। मैं समझता हूँ। ओके, मैं समझता हूँ। मैं जीसस के बारे में बहुत जानता हूँ और कई वक्त तक उन्हें मानता भी आया हूँ मैं, पर चीजें घटी और लोग बदले हैं। भगवान चेंज नहीं हुए जैक, वो तुमसे प्यार करते हैं चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अगर ऐसा है तो चुटकी बजाते ही मैं हर चीज ठीक क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है? मेरे पास अच्छी चीजें नहीं है, अच्छे पेरेंट्स नहीं है, इसकी वजह तुम उन पर ट्रस्ट करो, वो तुम्हें जरूर मिलेंगे कभी ना कभी। सच में ये इतना आसान है? मुझे हमेशा से स्विच बंद करना पड़ता है जो कि कहता है ऊपर वाले पर यकीन करो। कितना बेवकूफ हूं मैं शायद, और मैं तुम्हारे इस छोटे से क्लब का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। तुम्हें पता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है जैक। लग तो यही रहा है। तुम बीमार लग रही हो, तुम्हें अंदर जाना चाहिए।
ठीक है, ओके। आने के लिए शुक्रिया जैक। माइक, क्या ये तुम्हारा बेटा है? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, यही है मेरा बेटा। ओ, अब ये ट्रैक पे दौड़ रहा है। ट्रैक? ये फुटबॉल टाउन है यार। वे क्या पेंगुइन की तरह इधर उधर भागते रहेंगे? पुक, 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 पुक। उसने यहाँ के कुछ लोगों का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन तुम्हारा नहीं। नहीं, तुम्हें पता है डोनल, हो सकता है वो भूल गया हो। आखिर वो एक बच्चा है, बच्चे भूल जाते हैं। उनके मन में आजकल इज्जत नाम की चीज ही नहीं बची है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, आपका बेटा जी जान लगाकर मेहनत करता है, वो बेहतरीन प्लेयर है, और अगर कल वो जीत गया तो सीधा स्टेट लेवल पहुंच जाएगा। वेल, मुझे लगता है कि उस अपने भाई के लिए भरपाई तो करनी ही होगी। उसने उसका पूरा सीजन बर्बाद कर दिया है, इतना तो करना ही चाहिए उसे। पूरी टीम के लिए बर्बाद कर दिया। इन लड़कों ने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं और बहुत कुछ सहा है। हम सब ने बहुत कुछ सहा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लड़कों की बात अलग है, वो कमाल है, वो तूफान है। मुझे तुमसे अपने बच्चों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है बिल। हाँ, जरूरत है। तुम्हारे लड़कों को कोच की जरूरत नहीं, उन्हें एक बाप की जरूरत है। पूरी दुनिया जिस चीज के पीछे दौड़ती है, तुम्हारे दोनों बेटों ने लगभग वो चीज हासिल कर ही लिया है। एक दिन तुम देखोगे वो कितने आगे निकल जाएंगे। स्टेट लेवल के बाद हो सकता है नेशनल लेवल, कहीं और, कहीं और, लेकिन यहां नहीं, यहां पर बिल्कुल नहीं। उन्हें पकड़ के मत रखो, वो ऊंचाइयां हासिल करने के लिए बने हैं, समझे? गैरी, कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ओके, कल मिलते हैं माइक। भगवान, मैं बस आपसे इतना मांगता हूं कि आप मुझ पर नजर रखें, मुझे सुरक्षित रखें और मेरी मदद करें। मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दे पाऊं। मैं आपके
क्या यह कमाल की चीज नहीं है? बिल्कुल। देखो, अगर तुम्हें अपने फुटबॉल कोच पे यकीन ना हो तो तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, है ना? नहीं ना? यस। क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है। और अगर तुम्हें तुम्हारा कोच प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और मेहनत करने के लिए कहता है और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम ज्यादा गेम्स नहीं जीत पाओगे, है ना? जी, जी, yes, जी। yes. नहीं तो यकीन खूबसूरत चीज है। यकीन के साथ काम करना, यही हमारा होमवर्क है, है ना? तो मन में हमेशा यकीन रखो और अपना काम करो। तो एक बार बोलो आमीन। आमीन। यस यस। थैंक यू सर, यहां आने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आपको यहां देखकर अच्छा लगा? हाँ, मैं भी कुछ बदलाव लाने की सोच रहा हूं। देखो बेटे, अब संडे को इससे बेहतर कुछ करने को था नहीं, तो मुझे कभी बताया नहीं जिंजर के बारे में। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी अभी तक खुद नहीं समझ पाया हूं। इसके बारे में बात करना चाहते हो? नहीं। तुमने क्या किया? मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। तुम अपने ही रिश्ते को तोड़ देते हो, तुम्हें पता है? ओ नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तुम लंबा इंतजार करके उसे खोना नहीं चाहते। शायद मैं करता हूं, मैं मानता हूं कुछ चीजें तो ऐसी बेशक हैं जिन पर मुझे काम करना है। ठीक है, तुम्हारे पास दूसरों की तुलना में ज्यादा है। अगर मैं उसे खो बैठूं तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा, नहीं? मैं मानता हूं कि यह सवाल थोड़ा अजीब है। चुप करो, कम ऑन, चलो स्टेज से पहले इस वीकेंड एक आखिरी रेस। हारने वाला बर्तन धोएगा। और हाँ, तुम्हें बता दूं, हाँ, मैं कल उसे रूम नंबर 143 में लाने के लिए कह दूंगी, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ओके। हाय। हाय। ज्यादातर लड़के फ्लावर्स के साथ सॉरी कहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम उनकी तरह नकली नहीं हो। तुम खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मती तो मेरी थी जो मैंने बर्बाद कर दी। देखो जिंजर, आई एम सॉरी, ठीक है? मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और मैं ये जानता हूँ, और मुझे लगता है मैं डिफेंसिव हो गया था क्योंकि मैं डर गया था। मैं इस वक्त बहुत सी अलग चीजों से जूझ रहा हूं और ये कंफ्यूजिंग है और ये कोई बहाना नहीं है। और मैं जानता हूं कि मैं उन चीजों की वजह से तुमसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू हो। मैं सच कह रहा हूं, पूरे मन से। ज़ैक, मुझे नहीं पता, हमें बहुत सारी चीजों को सुलझाना है। तुमने मुझे हर्ट किया है, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए ये ऑफर ले आऊं।
मैं यकीन रखूं, पर अब मैं बच्चा नहीं रहा, ये इतना आसान नहीं। किससे बात कर रहे हो? नहीं, बस सोच रहा हूं। बस सोचो। वो चॉकलेट कहाँ है? हमारे पास नहीं है। चॉकलेट के बिना हम स्मोस कैसे बनाएंगे भाई? मेरे पास सिर्फ मार्शमेलो और ड्यू है। ठीक है, मैं जुगाड़ करता हूँ। तुम आज चल रहे थे, घुटने कैसे हैं तुम्हारे? तुम्हें मारने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, काफी काफी बेहतर है यार, मेरा मतलब 100%। तो ये काम कर गया? क्या काम कर गया? मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा था, मुझे लगा तुम्हारा घुटना ठीक हो गया है, तुम वापस आ सकते हो मैदान में फिर से। हाँ डेव, सीजन खत्म हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीतने वाला हूँ, और जीतने वाले को कौन स्कॉलरशिप नहीं देगा, और मैं जहां जाऊंगा तुम साथ आओगे और अगले साल टीम में भी होगे, और उसके बाद तुम्हें फुटबॉल के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, ये प्लान है। ये सब बोलना बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल, मैं प्लान में विश्वास रखता हूं और मुझे तुम पर विश्वास है। देव, देव, ठीक हो ना? मेरी तरफ देखो, देखो यार, आराम से, आराम से, डन हो जाओ, डन हो जाओ। मैं 911 को फोन करता हूँ, ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 4 बार मिर्गी के दौरे आए हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम ठीक हो? ये नॉर्मल है? जो मैंने देखा वो नॉर्मल नहीं था, मतलब तुम्हारी आंखें एकदम अलग ही थी, वो तुम नहीं थे। मैं अब अच्छे हाथों में हूँ यहाँ, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। हाँ बेशक यार। तो कब तक रहोगे तुम यहाँ? मुझे नहीं पता। ठीक है, जब तक तुम यहाँ हो मैं भी यहीं रहूँगा। तो मैं घर जाकर कुछ कपड़े और सामान ले आता हूँ, मैं आधे घंटे तक वापस आता हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? सिर्फ एक चीज़ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। और वो क्या है? क्या तुम मेरा बेड पैन डंप कर सकते हो? वो सच में भर गया है। ओ हाँ हाँ, ये कहाँ है? वहाँ है क्या? वहाँ पर? तुम मजाक कर रहे थे? हाँ। हंसी नहीं आई? आई एम सॉरी, सच कहूं तो मेरे लिए प्रार्थना करो, बस इतना ही। मैं जरूर करूंगा। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है ना? तुम तो यही कहोगी। मैं नहीं जानती उसका क्या प्लान है, पर जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, हर चीज अच्छे के लिए होती है। हाँ बिल्कुल, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ है, नहीं लगता आपको ऐसा? बताइए। यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। मैं जब 21 साल की थी तब डॉक्टर्स को मेरी दोनों ओवरीज पे ट्यूमर मिला था। जब मुझे पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो मैं पूरे 1 साल तक रोती रही हर दिन। अब तुम्हारी दादी और मैं, मेरी कोई बहन नहीं थी, और अगर होती तो शायद वो दुनिया की अच्छी औरत होती। मैं उनसे कभी नहीं मिला। ओ काश तुम उससे मिल पाते, वो बहुत अच्छी थी, दयालु थी और मजबूत थी। उसे पता था क्या सही है और क्या गलत है, हमेशा सच का साथ दिया। उसका दिल सच में सोने का था जो आगे चलकर उसकी माँ को मिला,
और तुम्हारी माँ से आगे तुम लड़कों को। मैं वही थी जब तुम और देव पैदा हुए, और तब से मैंने कोई भी बर्थडे मिस नहीं किया, तुम जानते हो। और मैंने तुम दोनों को लड़कों से आदमी बनते देखा है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी दादी और तुम्हारी माँ से ज्यादा मैंने देखी है, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जानते हो, मैं वो लड़की थी जो 21 की उम्र में, जिसे लगता था कि भगवान उसे भुला चुके हैं, पर अब 65 की उम्र की औरत समझती है कि ये खेल उसी का रचा था, भगवान का। और मैं तुम्हारी नानी बन गई, और मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं कर सकती। अब मैं जानती हूँ जिंदगी कंफ्यूजिंग हो सकती है, वो उतार चढ़ाव से भरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। भगवान तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं मांग सकता। नानी इधर आओ, मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा प्यार करती हूँ। हम भी आपसे प्यार करते हैं।
क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया? जैक, नानी ने बुलाया। ठीक है, खैर अब ये मेरे कंट्रोल के अंडर है तो अब तुम जा सकते हो। देखो जैक, क्या प्लीज प्लीज जा सकते हैं? देखो बस एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां, पर मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ के चले जाना। और अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं सब सुधारना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, नहीं जरूरत है। Hey, भाई। Hey, क्या डैड अभी भी यहाँ है? नहीं नहीं है, पर वो वापस आएंगे। ओके। Hey, ये देखो जरा। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मैं। थैंक्स। Hey, सुनो ना भाई, तुमने मुझसे दुआ करने के लिए कहा था, मैंने की। ये कमाल है जैक। हाँ मैंने मांगी, और जब मैं तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा था तो मैंने अपने लिए भी दुआ मांगी, समझे? और मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया पता, और मैंने ये जारी रखा। आई लव यू, आई लव यू। एक और लैब? हाँ। ये ठीक है? देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किस लिए? मुझे सच में लगा था कि ये मेरे कल दौड़ने की योजना का हिस्सा था और यहाँ से निकलने का। हे, तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्लान का हिस्सा नहीं था, शायद वो हमारे लिए और बेहतर प्लान बना रहा है। मुझे इतना ज़्यादा क्लियर था ये, और मैं, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें निराश किया। ए देवी, तुमने मुझे निराश नहीं किया, समझे? तुम मुझे निराश नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तुम मेरी जगह क्यों नहीं भागते? या देखो, तुम यहां रहोगे तो कुछ बदलेगा नहीं, हम फंस जाएंगे, लेकिन अगर कल तुम दौड़ते हो तो तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा। ये हमारे निकलने का आखिरी मौका हो सकता है, तुम जाओगे ना? घुटना ठीक हो गया? हाँ मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, और मैं डेव के साथ ट्रेनिंग भी करता आया हूँ, लगातार कर रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, ये डेव के लिए जरूरी है। वो मुझे पता है, मुझे शायद तुम्हें तुम्हारी भाई की जगह साइन करना होगा। हाँ पर ये ऑफिशियल तो नहीं लग रहा। देखो वो बात तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और ये करते हुए अगर मेरी नौकरी भी चली गई तो वो बहुत बुरा नहीं होगा। ये ट्रैक कोच की नौकरी, गोल गोल चक्कर दौड़ते हुए एथलीट्स को देखना मुझे कभी पसंद नहीं था। उसके बजाय बॉल लेके कोई आगे दौड़ रहा है और बाकी टीम उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रही है, उसे उसे कहते हैं स्पोर्ट्स। हाँ कोच जो फुटबॉल है। फुटबॉल, यही तो कहना चाहता था। मैं चाहता हूं तुम दोनों और तरक्की करो, और उसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। थैंक्स कोच। वेलकम। मैं 2-3 कॉल करता हूं, तुम्हें दौड़ने की इजाजत मिल जाएगी। Thank you.
क्या हुआ? यहाँ इस तरह से बैठे हो? कुछ आपको सच में लगता है मैं जीत सकता हूँ? देखो, ये सभी खिलाड़ी, ये सारे के सारे बेहतरीन एथलीट्स हैं, पूरे साल से तैयारी करते आ रहे हैं, शायद बचपन से ही। कुछ अगर आपकी ये पेप टॉक है तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि उनके पास एक चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है, और वो है तुम्हारा शेर जैसा दिल। मैंने आज तक किसी को साइडलाइन में तुम्हारे जैसा दौड़ते हुए नहीं देखा, सच में। तुम्हें लगता है इनमें से कोई भी फुटबॉल के मैदान में तुम्हें पकड़ भी पाएगा? नहीं सर। नहीं तो बस एक फुटबॉल फील्ड के चार चक्कर दौड़ लो, बस। केवल चार चक्कर है बस। हाँ, याद रखना, तुम्हारे खिलाफ सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। केवल 45 सेकंड की ही बात है, अपनी आत्मा तक निचोड़ डाल। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तुम्हारी घड़ी। आओ, तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। आओ। ए ज़ैक, कोच ने बताया कि तुम्हारा घुटना अब काम कर रहा है। जी सर, बिल्कुल, पहले से बेहतर। गुड, अब मैं बस तुम्हारा कमाल देखना चाहता हूं। I'm sorry, मुझे पता नहीं था आप ट्रैक भी स्काउट करते हैं। मैं नहीं करता। गुड लक। नैनी, नैनी जानती हो क्या हुआ? फ्लोरिडा के स्काउट ट्रैक मीट पर थे, मैंने उनसे बात की, मैं दूसरी जगह पर आया। मुझे सेकंड रैंक मिला। जैकी, मेरी बात सुनो। क्या? नैनी, क्या हुआ? जैक, तुम्हारा भाई नहीं रहा। नैनी,
हे जैक, देखो मैंने तुम्हारा भाई, मुझे याद है जब वो छोटा था तो इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था, और ये मुझे उसके हॉस्पिटल में मिली, वहीं थी।